न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। और अब बात करते हैं रीवा की, जहां एमपीपीएससी लापता के पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर नाराज अभ्यर्थियों ने चिपकाए हैं। इतना ही नहीं, युवाओं ने चुनाव को लेकर भी लोगों से अपील की है कि वो नोटा पर वोट करें। आपको बता दें कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 एमपीपीएससी में हो रही देरी से परेशान युवाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों ने रविवार को शहर पर विभिन्न स्थानों पर एमपीपीएससी 2019 के लापता पोस्टर लगा दिए। इस बीच युवा शहर में लोगों के बीच जाकर नोटा पर वोट करने की भी अपील कर रहे थे। बता दें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा लगातार आरक्षण विवाद के चक्कर में उलझी रही है। राज्य सेवा 2019 के तो दो दौर संपन्न हो चुके हैं। अप्रैल में ही इंटरव्यू का आखिरी दौर आयोजित कर चयनित अभ्यर्थियों को जून और जुलाई में पदस्थापना दी जानी थी, जिसके उलट ओबीसी आरक्षण पर सरकार की नीति के खिलाफ न्यायालय से आए निर्णय के बाद पूरी ही प्रक्रिया रोक दी गई। बीते दिनों अभ्यर्थियों ने भोपाल में सरकार से लेकर इंदौर में भी एमपीपीएससी मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन के साथ ही ज्ञापन दिए। अभ्यर्थियों के अनुसार कोर्ट ने कहा कि 2015 के आरक्षण की नीति के हिसाब से परीक्षा आयोजित की जा सकती है, फिर भी पीएससी इस पर ना तो कोई स्थिति साफ कर रहा है और ना ही प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। आयोग और सरकार खामोश बैठे हैं, क्योंकि वो ना तो मुद्दा सुलझाना चाहते हैं और ना ही रोजगार देना चाहते हैं। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि 4 वर्षों से पीएससी ने राज्य सेवा में नियुक्तियां नहीं दी हैं, जिसके कारण अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया है और सरकार की सुस्ती के खिलाफ नोटा पर वोट करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। आज का आपका जो विरोध प्रदर्शन है वो किस बात को लेकर के है? सर, ये जो हमारा विरोध प्रदर्शन है वो एमपीपीएससी को लेकर के है, जो पिछले 4 सालों से भर्ती होती है। सर, ये जो हमारा 2019 का एग्ज़ाम हुआ है वो 19 में इसका नोटिफिकेशन आया था, 20 में हम लोगों ने इसका क्लियरेंस दिया था और 21 में जब कोरोना काल लगा हुआ था तो उस टाइम पे हम लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए भी हम लोगों ने मेंस का एग्ज़ाम दिया था और जिसका रिजल्ट जो है तो 2021 में आया था अभी दिसंबर में, और मेंस रिजल्ट आए हुए अभी 7 महीने हो गए हैं। ना तो हमारी तरफ आयोग की तरफ से कोई स्पष्टीकरण दिया गया है और माननीय उच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल को अपने जजमेंट में कहा था कि रोस्टर प्रक्रिया को जो पुरानी जो अभी नई है उसको निरस्त करके पुरानी वाली प्रक्रिया से जो है तो आयोग भर्ती को कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन अभी तक आयोग द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। तो हमारी केवल ये मांग है आयोग और सरकार से, वो जो जितनी भी भर्तियाँ हैं, चाहे वो 2020 की हो, 21 की हो, इसके अलावा जो एमपीएसआई कांस्टेबल इन सबकी वैकेंसियाँ जो रुकी हुई हैं उनको वो कंटिन्यू करें। हम लोग आर्थिक और मानसिक रूप से काफ़ी अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, जिसका हमें ना तो घर से सहयोग मिल पा रहा ना कहीं और से, उसकी वजह से हमें इधर उधर कुछ ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जो हम जिसके लिए हम अपने आप को योग्य नहीं समझ पा रहे। ठीक है, बताइए किस लिए आपका प्रोटेस्ट है? सर, मैं अभी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये हमारा प्रोटेस्ट आज इसलिए है कि अभी मैंने कोई भी मतलब अटेम्प्ट दिया नहीं है, लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले कई वर्षों से परीक्षाएं तो आयोजित की जा रही हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो क्या हम अपनी तैयारी रोक दें? आगे आने वाले वर्षों में क्या सरकार के द्वारा वैकेंसीज नहीं आएंगी? सरकार से हमारी यही मांग है कि यदि ऐसा कुछ प्लान है उनका तो वो डायरेक्ट बता दें कि हाँ, हमको वैकेंसीज नहीं लानी है। सर, किस लिए आपका आज प्रोटेस्ट हुआ है? हमारा विरोध प्रदर्शन है, ये एमपीपीएससी 2019 को लेकर के है, साथ ही एमपीएसआई व्यापम और पटवारी की भर्तियाँ जो सरकार द्वारा लगातार नज़रअंदाज की जा रही है उसको लेकर के आज प्रोटेस्ट निकाला गया है। सरकार द्वारा पिछले 5 सालों से भर्तियाँ नहीं की जा रही और जो भर्तियाँ की गई हैं वो अभी तक लगातार लंबित हैं। हमारी मांग सरकार और आयोग से ये है कि शीघ्र अतिशीघ्र उसके विषय में कोई निर्णय लें और छात्रों के भविष्य को। क्या नाम है आपका और किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? एस्पिरेंट हैं एमपीपीएससी के। सर, जैसे हम सब जानते हैं कि 2019 से अभी तक वैकेंसीज जो आ चुकी हैं लेकिन उस पर हम लोग कोई भी कैपेबल नहीं हो पा रहे कि हमारी वैकेंसीज हम लोग फुलफिल कर पाए। सर, उन सब के लिए हम लोग का प्रोटेस्ट है, तो हम लोग चाह रहे जो ओबीसी आरक्षण का जो मामला अभी तक रुका हुआ है वो पूरा होकर हमारी वैकेंसी कम्प्लीट किया जाए।